पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया संवाद का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, लोकसभा प्रभारी अनिल गुप्ता, लोकसभा संयोजक महेंद्र आहूजा, शहादरा जिलाध्यक्ष संजय गोयल, विधायक अभय वर्मा, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता यासीर जिलानी, शहादरा जिला महामंत्री गीता शर्मा, शहादरा जिला कोषाध्यक्ष हरिओम गुप्ता, निगम पार्षद संदीप कपूर, शहादरा जिला मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक विनीत जैन, मयूर विहार जिला मीडिया संयोजक अतुल सिंह व जिला प्रवक्ता भारत गौड़ व गौरव कपूर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फिर बताऊंगा जो प्रायोरिटीज है, मैंने बताया जहाँ झुकी वहाँ मकान, यमुना जी की स्वच्छता, ये मैंने बताया। मेरे मन में ये भी है कि संभव हुआ कोशिश करेंगे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए। दिल्ली सरकार कभी नहीं करेगी, हमें पक्का यकीन है, तो 25 के बाद उनके आने का चांस भी नहीं है। तो जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक हालांकि सेंट्रल स्कूल दो मनोज जी के इलाके में खुले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हैं, आवश्यकता होगी तो और स्कूल्स भी खोले जा सकते हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है उसके अंतर्गत ही होगा। कॉलेजेस का काम प्रारंभ हुआ ही है। यहाँ तक चैलेंजेस की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर नीयत ठीक हो तो वो चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, किया भी है। जो दिल्ली में गोविंदपुरी में जेलर वाले बाग में, जेलर वाले बाग में किसी भी समय चुनाव के बाद हम हैंडओवर कर देंगे, वहाँ पे जहाँ झुकी वहाँ मकान, कठपुतली कॉलोनी करोल बाग के पास, ये तीन जगह तो जहाँ झुकी वहाँ मकान, इसमें रोड़ा अटकाती है ना दिल्ली की सरकार, अपना फंड देती नहीं है, देती है तो कम देती होगी। तो ये चैलेंजेस ऐसे रहते हैं, उनको करना पड़ेगा, करेंगे कुछ, इनसे बात करके, कुछ झगड़ा करके, कुछ ये कई बार आसानी से नहीं मानते हैं, किसी और तरीके से मानेंगे तो किसी और तरह से मनाएंगे, एलजी साहब बात करेंगे इनसे। तो चैलेंजेस को तो ओवरकम तब किया जा सकता है जब अपनी नियत हो उस काम का परिणाम देने की। इसलिए चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हर काम में रहेंगे, खाली दिल्ली सरकार की नहीं, और भी इश्यूज पर चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेट्रो का फोर्थ फेज के लिए इन्होंने 450 करोड़ रुपए देने थे, नहीं दिए, कोर्ट में जाकर के कोर्ट में फटकार पड़ी तो भी नहीं दिए, कंटेंप्ट डाला तो जाकर के इन्होंने शायद रिलीज किया। फोर्थ फेज की दो नई लाइन भी डलनी शुरू हुई है, हमारे यहाँ पर अभी और स्कोप है मेट्रो के लिए, तो कुछ फ्लाईओवर्स का बड़ा स्कोप है वसुंधरा की तरफ, उसकी भी आवश्यकता है। तो ये सब चीजें पहले से भी ध्यान में है, कैंडिडेचर आने के बाद भी जब मैं जनता के बीच में गया हूँ तो उनके भी कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उन जो चैलेंजेस हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करें। बताइए संदीप जी क्या कहें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।